हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप अपने सिस्टम के अंदर एक बड़े साइज़ की टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस फाइल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। मान लीजिए आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कोटा का परफॉर्म करना चाहते हैं, स्टोरेज का परफॉर्म करना चाहते हैं प्रैक्टिकल, तो उसके लिए आपको एक बड़ी फाइल चाहिए। अब बड़ी फाइल आप कहाँ से ला सकते हैं? या तो आप डाउनलोड करिए फाइल को, या आप किसी लोकेशन से लेके आइए उस फाइल को। तो मैं आपको एक सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम के अंदर ही एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल कमांड से। उससे पहले आपको सिर्फ ये एक छोटा सा कन्वर्जन है, ये आपको समझना है। बिट किसको बोलते हैं हम? जीरो और वन को। निबल हम किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ फोर बिट्स को। बाइट हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एट बिट्स को। बिट्स मतलब जीरो एंड वन। किलो बाइट हम बोलते हैं 1024 बाइट्स को। मेगा बाइट बोलते हैं 1024 KB को। गीगा बाइट हम बोलते हैं 1024 MB को। टेरा बाइट बोलते हैं हम 1024 GB को। पेटा बाइट हम बोलते हैं 1024 TB को। एक्जा बाइट बोलते हैं 1024 पेंटा बाइट को। जेटा बाइट बोलते हैं हम 1024 एक्जा बाइट को। और यूटा बाइट बोलते हैं हम 1024 जेटा बाइट को। देखिए दोस्तों, अगली लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1024 यानी कि मेगा बाइट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी अगर आप उसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 यानी कि मेगा की वैल्यू कितनी है 1024 और किलो की वैल्यू कितनी है 1024। तो यहाँ पे मेरा क्या लिखा गया 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024। सेम गीगाबाइट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, गीगाबाइट की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 1024 MB। तो 1024 यहाँ से आ गया और MB मैंने कहाँ से उठाया? ऊपर वाली लाइन से 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024। ऐसे करके आप सभी लाइंस का कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 2 MB की फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा और मेरी वैल्यू आ गई 1048576। अब मान लीजिए कि मुझे 2 MB की एक फाइल को क्रिएट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे वैल्यू चाहिए उसकी। तो एक्सेल का आप यूज़ करके आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप कैलकुलेटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेल की हेल्प ली है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे प्रेस करेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, एंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ गई 2097152। यानी कि अगर आप फाइल क्रिएट करते हो ये नंबर लिखने के बाद, तो आपकी 2 MB की फाइल क्रिएट हो जाएगी। सेम अगर आपको 5 GB की, मान लेता हूँ मुझे 5 GB की फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले विंडो की प्रेस करोगे आप, यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए दोस्तों ये ओपन हो गया। अब चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे मेरे पास स्पेस अवेलेबल है डी ड्राइव में, तो मैं यहाँ से डी ड्राइव में चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमांड टाइप करता हूँ fsutil। fsutil का मतलब होता है फाइल सिस्टम यूटिलिटी स्पेस फाइल स्पेस क्रिएट न्यू। इसके बाद इसको पाथ देना है डी ड्राइव में। एक मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने उसका नाम दिया first.txt। अब मान लीजिए कि मुझे फाइल क्रिएट करना है 2 MB का, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 2097152, एंटर प्रेस किया मैंने, यहाँ पे देखिए मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से उसी कमांड को रिपीट करता हूँ और एक 5 GB की फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। fsutil स्पेस फाइल स्पेस क्रिएट न्यू। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है, आप कोई भी किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहें तो आप इस कमांड का यूज करके आप उसे कर सकते हैं। तो मैं फाइल नेम दिया second.txt स्पेस वैल्यू आपको लिखनी है 5368709120, एंटर प्रेस करना। देखिए कितना टाइम लगा, सिर्फ 1 सेकेंड ही लगा मुझे फाइल को क्रिएट करते टाइम। अब मैं यहाँ पे DIR कमांड लिखता हूँ,
तो देखिए यहाँ पे दोस्तों फाइल क्रिएट होगी मेरी 5GB की। चलिए मैं आपको ग्राफिकली चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ से अपने कंप्यूटर में, डी ड्राइव में चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइल वन भी क्रिएट हो गया और सेकंड भी क्रिएट हो गया। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट फाइल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा है 2MB की फाइल है और सेकंड फाइल मेरी 5GB की फाइल है। देखिए दोस्तों छोटा सा ट्रिक था, इसका यूज़ करके आप एक कोई भी बड़ी से बड़ी फाइल या छोटी से छोटी फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, एग्जैक्ट उतने ही साइज़ की बनेगी। देखिए लेकिन इन फाइल्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको एरर देगा कि ये एडिटर बहुत बड़ा है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल आपने बनाई है, डमी फाइल बनाई है सिर्फ अपने प्रैक्टिस को करने के लिए, तो आपको इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं लिखना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।